परिवार में हुई और इस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी कि चाचा जी रामचंद्र पासवान जी ऐसा उनके साथ इस तरीके से घटना घटेगी। जैसा मैंने कहा शुरू में, आज की तारीख में भी इस बात की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते थे कि ऐसा पार्टी का कोई कार्यक्रम हुआ, उसमें चाचा जी यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट बैठा। उनकी कमी को तो खैर कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। जिस हसमुख मिजाज के वो थे आप सब जानते ही हैं, इतने खुश होके सबसे मिलते थे कार्यक्रम में भी। आज भी जब कार्यक्रम चल रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि पिछले जितने भी ऐसे कार्यक्रम होते थे तो उसमें हम लोगों को चिंता रहती थी कि अरे अब रामचंद्र चाचा जी बोलने जा रहे हैं तब तो पार्टी का पूरा समय वही ले लेंगे, वही बोलते रहेंगे। पर आज उनकी वही खामोशी हम लोगों को खल रही है। बढ़िया, इतना मैं जरूर मानता हूं कि वो जहां पे भी होंगे उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है। खुश होंगे बहुत, क्या पार्टी इतना भव्य कार्यक्रम कर रही है, पार्टी और मजबूती की तरफ जा रही है, नहीं ऊंचाइयों तक जा रही है। प्रिंस का देखकर बहुत खुश होंगे कि उनका बेटा उनके नक्शे कदमों पर इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। ये हमें सबके लिए भी घर की बात का था। बहरहाल आज उनको याद करते हुए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और ये उम्मीद करते हुए कि वो जहां भी हो खुश हो और अपना आशीर्वाद इसी तरीके से हम सब पर बनाए रखें। उनके आशीर्वाद से हम सब और आगे बढ़े और बढ़े और बोले प्रिंस और आगे बढ़े, हमारी पार्टी हमारे तमाम सांसद और मजबूती से आगे बढ़े, हमारे तमाम विधायक और ज्यादा इस बार 2020 के जो चुनाव होंगे और मजबूत संख्या में हमारे विधायक यहाँ पर जीत कर आए। और अंत में साथियों आप सबका मैं धन्यवाद करूंगा कि आप सबने जो एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है, इसके पूर्व में पिताजी का जो अध्यक्ष काल रहा है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। अगर उनके उस कार्यकाल का अगर 10% ही मैं बन जाऊं तो मैं अपने आप को मैं सफल मानूंगा। पर हाँ, इतना विश्वास जरूर देता हूं कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, जितना मुझसे बन पड़ेगा उससे ज्यादा मैं मेहनत करूंगा। आप अगर एक कदम चलेंगे तो मैं 10 कदम चलने को तैयार हूं। पर हाँ, हम सबका लक्ष्य एक ही है, पार्टी से।